नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ भगवती सक्सेना गौड़। आज आपको सुना रही हूँ ज्योति मंगलानी जी की कहानी, जिसका शीर्षक है सुपात्र। मैं मंदिर से दर्शन करके बाहर निकली तो मेरी निगाह वहाँ पे भीख मांगने वाले भिखारियों पर पड़ी। इन्हें हार कपा देने वाली ठंड में ठिठुरते फटे पुराने कपड़ों में भीख मांगते देखकर मेरा दिल पसीज उठा। मुझे लगा कि मंदिर के अंदर विराजमान भगवान की मूर्ति से तो ज्यादा तो इन दरिद्र नारायण की सेवा करना पुण्य का काम है। मैंने मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित एक दुकान से गर्म कपड़े खरीदे और इन भिखारियों में वितरित कर दिए। लगभग 15-20 दिनों के बाद मैं उसी दुकान पर फिर पहुंची तो दुकान में मुझे वही कपड़े टंगे हुए मिले जिन्हें मैंने मंदिर के भिखारियों को वितरित किए थे। मैं आश्चर्य में पड़ गई। मैंने दुकानदार से पूछा, वो थोड़ी देर नानुकूर करने लगा, फिर मेरे जोर देने पर बोला, मैडम इन भिखारियों को बहुत सारे लोग गर्म वस्त्र बांटकर जाते हैं, ये इन्हें बेच देते हैं, इन पैसों से ये लोग मौज मस्ती करते हैं। वो बोलते हुए कुछ क्षण रुका और फिर आगे बोला, और मंदिर के सामने फटे पुराने कपड़े पहनकर भीख मांगते हैं, जिससे लोग उन पर तरस खाकर उन्हें भीख दें। ये सुनकर तो मैं सन्न रह गई। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दीनहीन भिखारी लोगों की भावनाओं का इस तरह से गलत फायदा उठाते हैं। मैंने कुछ सोचा, उसी दुकानदार से गर्म वस्त्र खरीदे और उन्हें लेकर मैंने अपनी कार मोड़ ली। मेरी कार एक अनाथ आश्रम के बाहर जाकर रुकी। मैंने वहाँ के बच्चों को गर्म वस्त्र वितरित किए। बच्चों की आंखों में आई खुशी की चमक और उनके प्रसन्न चित्त चेहरे मेरे दिल को छू गए। अनाथ आश्रम से कार में वापस आते हुए मेरा हृदय एक अतिरिक्त आनंद से भर उठा, क्योंकि इस बार मैंने वस्त्र दान सुपात्रों को जो किया था। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भगवती सक्सेना की आवाज में लेखक ज्योति मंगलानी जी की कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।